व्यावसायिक विकास। बजाज ऑटो Q2 लाभ में गिरावट। बजाज ऑटो ने Q2 FY25 के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 31% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 2020 करोड़ रुपए की तुलना में 1385 करोड़ रुपए थी। इसके बावजूद कुल राजस्व 22.2% बढ़कर 13247 करोड़ रुपए हो गया। बीकाजी फूड्स ने हेजलनट फैक्ट्री का अधिग्रहण किया। बीकाजी फूड्स ने हेजलनट फैक्ट्री में 131 करोड़ रुपए में 53.02% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य क्विक सर्विस रेस्तरां QSR बाजार और प्रीमियम बेकरी सेगमेंट में बीकाजी की उपस्थिति का विस्तार करना है। भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी हुई। नोमुरा का NICI सूचकांक भारत की आर्थिक वृद्धि में मंदी का संकेत देता है, जो जून में 6.5% से सितंबर में गिरकर 3% हो गया। यह वित्त वर्ष 25 और वित्त वर्ष 264 के लिए GDP वृद्धि पूर्वानुमानों के लिए बढ़ते नकारात्मक जोखिम का संकेत देता है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज Q2 परिणाम। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने Q2 के लिए 25,729 मिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो कि 4.5% कोक और 7.8% यौ वृद्धि को दर्शाता है। तिमाही के लिए शुद्ध आय 3,196 मिलियन थी, जो कि कोक में 1.9% और यौ में 1.3% अधिक थी। इम्फेसिस Q2 फाइनेंशियल्स। इम्फेसिस लिमिटेड ने Q2 FY25 के लिए कुल राजस्व 3,594.9 करोड़ रुपए बताया। ओबरॉय रियल्टी नई परियोजना। ओबरॉय रियल्टी ने थाने में 75 एकड़ में फैले जॉर्डन 8 ओबरॉय गार्डन सिटी थाने नामक एक नई आवासीय परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। सुप्रजीत इंजीनियरिंग विस्तार। सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी सुप्रजीत USA Inc. ने परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन में सुप्रजीत ऑटोमोटिव सिस्टम्स कंपनी लिमिटेड नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की है। अल्ट्राटेक सीमेंट क्षमता वृद्धि। अल्ट्राटेक सीमेंट ने तमिलनाडु में अपने अर्कोनम यूनिट में 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA पीसने की क्षमता जोड़ी है, जिससे इसकी कुल उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। ऊर्जा क्षेत्र। हाईटेक पाइप्स ग्रीन पावर। हाईटेक पाइप्स लिमिटेड ने 5 मेगावाट कैप्टिव ग्रीन पावर 5 का उपयोग शुरू कर दिया है। L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑर्डर। L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन को राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए 1200 MTPA DNP के उर्वरक संयंत्र के निर्माण के लिए भारत सरकार के उपक्रम से एक ऑर्डर मिला है। शिवालिक पावर ऑर्डर। शिवालिक पावर को GMT इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 88 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। टाटा पावर अधिग्रहण। टाटा पावर को ERESXXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से आशय पत्र मिला है। वित्तीय क्षेत्र। सुदर्शन केमिकल्स सजेशन केमिकल द्वारा फंड जुटाना। सुदर्शन केमिकल्स के निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर जारी करने के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने और 25% तक ग्रीन शू विकल्प को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के आर्थिक उपाय। अधूरी संपत्तियों के लिए दोगुना ऋण। चीन अधूरी संपत्तियों के लिए ऋण दोगुना करके $562 बिलियन करने की योजना बना रहा है। शेयर लाभ फीका। हाल ही में ब्रीफिंग में प्रमुख प्रोत्साहन उपायों की कमी के कारण चीनी शेयर लाभ फीका। आर्थिक विकास। चीन की अर्थव्यवस्था 6 तिमाहियों में अपनी सबसे कमजोर गति से बढ़ी।